आज इसको नहलाएंगे। बहुत एक्साइटेड है, 2 वीक्स से नहीं नहाया है, स्मेल भी आ रहा है, लेकिन ड्राई बाथ हम लोग ने किया है। तो अगर आप लोगों को मालूम नहीं है क्या है ड्राई बाथ तो कमेंट करना, ड्राई बाथ में बता दूंगा आप लोग कैसा होता है। और आज एकदम वेट बाथ होगा। और ये है हैंड वॉश सेट, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन इसको जब आप अपनी डॉगी को नहलाते हो तो बहुत ज़ोर से मत करना, उसको थोड़ा करना, नहीं तो उसको चोट लगता है। वाइड एंगल में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यो क्योंकि, और ट्राई करना कि इसका मतलब डायरेक्ट नहीं मारे, नहीं तो यहाँ का आँख में लग सकता है, कान में लग सकता है। और एक काम करना, कान में, यहाँ कान में आप उसको रुई डाल सकते हो, सो डेट पानी नहीं जाए, बिकॉज कान में ना थोड़ा पानी भी चला जाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। और गाइज मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो प्लीज़ सॉरी, जितना हो पाता है जैसा हो पाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि सबको समझ आए, और कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ डॉगी को मतलब अपने डॉगी के लिए हेल्प हो, जो मेरा कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ। और अभी कान में मैं बोल रहा था कि कान में रुई डाल लेना, सो दैट, हाँ देखो ऐसे करता है ना वो, सादे सोरे पानी अंदर नहीं जाए, नहीं तो थोड़ा भी पानी अंदर जाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है डॉगी को, और वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैंने उसको रुई डाल लिया है अभी बढ़िया से, अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी पानी पी रहे है देखो। तो गाइस मैं जल्दी से इसको नहला देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और आज एकदम भयंकर गर्मी है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, ये देखो भयंकर गर्मी है आज। लगाएंगे अभी इसका। तो गाइस इसको अभी हो रहा था रिसेंटली एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में, तो डॉक्टर ने दिया है ये, तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ से, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ये शैम्पू लगाएंगे, और बहुत सारे शैम्पूज यूज़ करते हैं, ये भी एक कैप्टन जैक, ये भी अच्छा है, और एक है ये क्लीन फिलहाल, ये यूज़ करें। और जिससे इसको मालूम नहीं है कि कितना शेयर होता है इसका, है देखो गाइस ऐसा नहीं है, उगता है तो बाहर निकलेगा ही। और ये अभी सीजनल है तो इसका अभी निकल रहा है, अभी ये नया कोट आएगा इसका, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा शेयर हो रहा है। ये देखो इसे खींचोगे आपको ये मिल जाएगा, तो इसीलिए अभी बढ़िया से ये वाला स्क्रबर है, इसको शैम्पू लगाएंगे उसके बाद स्क्रब करेंगे, तो ढेर सारा हेयर निकलने वाला है। बहुत ही इन्जॉय करता है ये नहाने के टाइम में। और ये देखो है गाइस, ना सारा भी निकला है, और शैम्पू लगाने के बाद कितना निकलेगा ये देखो। टुगू किए भी लग इस, देखो मतलब ये दिखाने के लिए लेके आया हूँ मैं। तो इसका आज जो नहलाया इसको, तो कितना बाल निकला देखो, ये पूरा माय गॉड, ये एक कुआ का हो जाएगा मोटा मोटी, इतना बाल देखो। गाइस देखो अभी बज रहा है शाम के 4 बजे, और ये नहा धो के खाना वाना खा के बिंदास सो रहा है, देखो क्या मच्चा में सो रहा है। तो गाइस देखो अभी टाइम हो रहा है 4:20 मतलब 4:25 अराउंड, और हीरो एकदम फ्रेश फील कर रहा है, हल्का फील कर रहा है आज नहाने के बाद, 2 वीक्स बाद नहाया है आज। और अभी इसका होगा कान का सफाई गाइस, देखो दिस इज़ ईयर क्लींजर, तो इसको डालेंगे, ये वेको का आता है, बहुत ही बढ़िया है क्वालिटीज़ का, तो पहले इसको कान में डालेंगे, उसके बाद ये कपड़ा से मस्त इसका कान का सफाई करेंगे। सो गाइस अभी देख सकते हो अभी इसका थोड़ा ग्रूमिंग सेशन चल रहा है, और ये देखो इतना निकल चुका है, क्योंकि नहाने के बाद में ज़्यादा नहीं निकलता, बिकॉज जैसे कि आपने देखा वीडियो में कितना सारा बाल ऑलरेडी निकल चुका है नहाने का टाइम में, तो अभी उतना नहीं निकलता है। और ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, मतलब ये देखो ऐसे कर दोगे तो बाल आ जाता है, बहुत सही है। तो ऐसे 10 मिनट करेंगे, और एकदम एंजॉय कर रहा है, इसको देख सकते हो आप बाहर तरफ देख रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है। बहुत गर्मी है आज, तो 10 मिनट रहेंगे उसके बाद उसको अंदर ले जाएंगे।